हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग होता क्या है। माँ के द्वारा बच्चे को फीड कराने की प्रोसेस ब्रेस्ट फीडिंग कहलाती है ये। और आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी है तो आधा घंटे बाद या एक घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हुई है तो 4 घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और 6 महीने तक बेबी को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध अमृत माना गया है। और 6 महीने तक हमें बच्चे को पानी भी नहीं देना है, क्योंकि क्योंकि मदर मिल्क में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, सुटेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो न्यू नेट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन सब्सटेंस मदर मिल्क से बेबी को प्राप्त हो जाते हैं वो काउ मिल्क या बफेलो मिल्क से प्राप्त नहीं होते। इस वजह से हमें कम से कम 6 महीने तक न्योनेट को या बेबी को माँ का दूध ही देना चाहिए। और टाइप ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो पहला है कोलेस्ट्रम, दूसरा ट्रांसिशियल मिल्क, तीसरा नेचुरल, चौथा फॉर मिल्क और पांचवें फिफ्थ है हिन मिल्क। तो कोलेस्ट्रम होता है, इट इज द मिल्क सीक्रेटेड डूइंग द फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी। और इट इज अ थिक एंड येलो इन कलर एंड रिच इन एंटीबॉडीज एंड विटामिन ए डी ई एंड के। तो जो कोलेस्ट्रम है वो डिलीवरी के 3 दिन तक सीक्रेट होता है और ये थिक यानी गाढ़ा और कलर में पीले कलर का होता है और इसमें काफी मात्रा में एंटीबॉडीज और विटामिन ए डी ई के प्रेजेंट होता है। और दूसरा है ट्रांसिशियल मिल्क, इट इज अ मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो जो ट्रांसिशनल मिल्क है वो डिलीवरी के 2 सप्ताह तक सीक्रेट होता है और इसमें द इम्यूनोग्लोबिन एंड प्रोटीन कंटेंट डिक्रीज, जो इम्यूनोग्लोबिन और प्रोटीन होता है उसकी मात्रा इसमें कम होती है, वाइल फैट एंड सुगर इंक्रीज, जबकि फैट और शुगर की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है। और नेचुरल, यह मिल्क ट्रांसिशियल मिल्क को फॉलो करता है। इस मिल्क में थिनर और वाटरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बेबी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और फॉर मिल्क, यह मिल्क जब सीक्रेट होता है जब बेबी फीड करता है। इस मिल्क में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, शुगर, विटामिन और वाटर प्रेजेंट रहता है। हिन मिल्क, यह मिल्क तब सीक्रेट होता है जब बेबी फीड कर चुका होता है। इस मिल्क में ज्यादा मात्रा में फैट प्रेजेंट होता है जो बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गए टाइप ऑफ ब्रेस्ट फीड। अब हम बात करते हैं टेक्निक के बारे में, टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को कंफर्ट और रिलैक्स पोजीशन देते हैं, चाहे बैठे की या लेटे की, चाहे सिटिंग या लाइंग पोजीशन, जिसमें मदर कंफर्टेबल हो फीड कराने में। निपल को वाटर से वॉश करना चाहिए और उसके बाद अपने हाथों को ही वॉश करना चाहिए, निपल को वॉश करना चाहिए, उसके बाद हमें बेबी को फीड करानी चाहिए। और बेबी के सिर और बॉडी को केयरफुली पकड़ना चाहिए, बेबी की नोज निपल के अपोजिट साइड होनी चाहिए। और मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम ब्रेस्ट को फिंगर से सपोर्ट करना चाहिए। मदर को चेक करना चाहिए कि बेबी प्रॉपर सकिंग कर रहा है या नहीं, और वन बाय वन ब्रेस्ट फीडिंग चेंज करनी चाहिए। बिफोर सकिंग ब्रेस्ट को बेबी के मुंह से लिटिल फिंगर के द्वारा बेबी के माउथ से निपल को आउट करना है। फीडिंग के बाद बेबी को शोल्डर पर लेके थपकी दिलानी है। थपकी बहुत जरूरी है दिलाना, क्योंकि कई बार हम थपकी नहीं दिलाते हैं, भूल जाते हैं या बहुत सी कंडीशन में नहीं दिला पाते तो बेबी दूध उलट देता है। तो थपकी दिलाने से उसको डकार आ जाती है, इससे वो उल्टी नहीं करता है, दूध निकालता नहीं है और उसका मिल्क पच जाता है अच्छे से। इसके बाद एडवांटेज फॉर मदर, तो मदर के एडवांटेज ये हैं कि अगर डिलीवरी के बाद मदर फीड करा रही है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे।
और ओवरियन के ओवरियन डिसीज के भी चांसेस नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिलीवरी के बाद मिल्क सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। और इस कंडीशन में अगर हम बेबी को मिल्क नहीं पिलाएंगे तो मिल्क अंदर इकट्ठा होता जाएगा जो कि एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो इस कंडीशन में ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और मोस्टली लोगों में ये देखा भी गया है कि जो लेडीज नहीं पिलाती हैं मिल्क क्योंकि उनका शेप खराब ना हो जाए इस चक्कर में, तो वो लोग ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हुई हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर को ना तो बोतल क्लीन करना होता है और ना ही आर्टिफिशियल मिल्क प्रिपेयर करना पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बेबी मदर का एक्स्ट्रा वेट लूज कराने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर की आफ्टर डिलीवरी बॉडी को पोस्चर या शेप नॉर्मल कराने में हेल्प करता है। और ब्रेस्ट फीडिंग यानी मदर मिल्क में प्रोटीन 0.7 ग्राम पर डीएल होता है, इसमें 0.7 ग्राम पर डीएल प्रेजेंट। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।